हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुदी सिमी व्लॉग्स। सो आज मैं आई सिमरन के घर पे और देखते हैं वो क्या कर रही है। सिमरन दीदी, व्हाट आर यू डूइंग? मैं ना चाय बनाने लगी हूँ। चाय बना रही है? ये कौन सी चाय? अदरक, इलायची? ये राहुल की फरमाइश है कि गुड़ वाली, शक्कर वाली? हाँ, ये राहुल की फरमाइश है कि उसके लिए अदरक वाली चाय बनाऊं, तो मैं उसके लिए अदरक वाली चाय बना रही हूँ। सबसे पहली बात, पहले तो आपको गैस स्विच लगाना आना चाहिए, जो कि इसको आता नहीं है। आता है, मेरे हाथ गीले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे घुमाओ और बस चला दो। हाँ, फिर चलाओ ना खुद, तो क्यों चला रहे हो आप? ये तो मेरे हाथ गीले हैं। गीले हाथ से लाइट नहीं चलता, करंट मारता है। ऐसे करंट मारता है, इसको कमेंट में बताना, कुछ भी बोलती है इररिलेवेंट। हां, कमेंट करके बताना, जिसको लगा होता है उसको पता होता है। किसे करंट लगा आज तक? मैंने तो कभी न्यूज़ भी नहीं सुनी। तो मरते नहीं है उससे, करंट से थोड़ा सा तो लगता ही है। पहले हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने डाल दिया है। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे बनानी है एक अच्छी चाय, अच्छी इन अ सेंस टेस्टफुल चाय। सो अभी हमने सिर्फ पानी को बॉईल किया है और उसमें थोड़ा सा अदरक डाला है। और इलायची डाली है? नहीं डाली, अदरक ही डाला है अभी। और आज हमें सिमरन मैम भी सिखाएंगी। इलायची और अदरक वाली चाय का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता, तो या तो मैं सिर्फ इलायची डालती हूँ या फिर मैं सिर्फ अदरक डालती हूँ। तो ना फर्स्ट स्टेप इज कि आप पानी को बॉईल करो। मुझे पता कौन सी चाय अच्छी लगती है? मुझे सौंफ वाली, वो मेरी मम्मा बनाते हैं। इट्स लाइक अमेजिंग। आज मेरे मम्मा के बनाई थी मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है चाय पत्ती। मेरे को चाय बनानी किसी ने नहीं सिखाई, मैं वो खुद आ गई। मुझे भी खुद, सबको खुद ही आती है। जब अंदाजे लगना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर सही चाय बनती है। तुझे दिख रहा है ना तो कितनी पत्ती डाल रही है? हाँ। आंखें बंद करके मत डाल दियो। शट अप। जब वैसे ना मैंने एक बात नोटिस करी है, जब लोगों को कुछ नहीं मिलता ना तो उनका शेड अलग होता है। शट अप। यू जितना दूध अच्छा डालोगे ना चाय में उतना आप लोग पीते हो। ज्यादा दूध वाली चाय हमें आदत नहीं है। नहीं, ज्यादा दूध वाली चाय पीनी। तो अभी टेस्ट किया जा रहा है दूध को पहले कि खराब है, ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फ्रिज में चलो ठीक है, डालो। कुछ डाला भी है इसमें? मीठा डाला है? सब कुछ डाल। अगर मीठा कम हुआ ना फिर सारी चाय तुझे भी नहीं बढ़ेगी, पहले ही बता रही हूँ। तू पहले ही टेस्ट कर ली। मैंने नहीं करनी टेस्ट, मैं सबके सामने तुझे टेस्ट करूँ। पता क्या क्या होता था जब ये मेरे घर पे आते थे, जिसके मम्मी पापा और ना मेरे मम्मी चाय बनाने के लिए बोलते थे, तो फिर मैं क्या करती थी? वो भी अच्छी ढंग से नहीं बनती थी। चुप रह। और ना फिर जब ये सब आने थे मेरे घर पे, तो मम्मा मुझे बोलते थे जानबूझ के सबके सामने कि जाओ गुंजन चाय बना के लाओ। फिर ना मैं धीरे से जाती थी, जब चाय बन जाती थी सिमरन इधर आ, सिमरन को किचन में बुला के ना चाय टेस्ट करवाती थी। सो दैट सबके रिव्यू से पहले सिमरन का रिव्यू ले लूं, अगर कोई कमी पेशी हो तो पहले सिमरन से खा लूं। हाँ, फिर मुझे बोलती थी नहीं बिल्कुल ठीक है, मीठा थोड़ा कम है। था यार, पर तुम लोग मीठा इतना पीते हो, हम कुछ कर नहीं। हाँ, इवन अभी मैं बैंगलोर से आई हूँ तब भी मुझे घर वालों चाय फीकी लगती है। मम्मा को बोलती हूँ एक्स्ट्रा शुगर ऐड करो उसमें, फिर पीती हूँ मैं चाय। तो बहुत ज्यादा पीने लग गया तू और पानी क्यों डाल रही है पागल? पहले भी पानी है, देख ना पहले ही पानी है। कोई बात नहीं, हम ऐसी चाय पीते हैं, पीनी है पियो, नहीं तो जाओ। शर्म तो नहीं आए हो वही जाओ। शर्म तो नहीं आए बैंगलोर से, आए हो बैंगलोर जाओ। चलो चले जाऊंगी मैं, कोई वहाँ पे ऐसी चाय भी दिनों की बात है। वहाँ पे ऐसी चाय, वहाँ पे कच्ची लस्सी पीते हैं, यहाँ पे आपको ढंग की चाय भी नहीं नसीब। क्या बोलूं अब मैं, कौन सी गाली दूं अब? इसकी चाय पुनी खो गई है, बताओ मिल गई पता नहीं यार, लटकाई होगी कहीं पे। वो वाली मुझे चाय उबल रही है धीरे धीरे। फिर हम देंगे सिमरन को रेटिंग कि इसने चाय कैसी बनाई है। इसमें अभी मीठा कम होगा जो कि हम पीते हैं, तो और डाल दे आप लोगों के लिए ज्यादा मीठे वाली बना देंगे। पता क्या है, जो शुगर ब्लॉक्स होते हैं ना वो भी छोटे बड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग में टेस्ट बहुत वेरी करता है। जितनी चाय रिझेगी उतना अच्छा होगा, उबलेगी रिझेगी। मेरी हिंदी पंजाबी दोनों में सुन रहे हैं। मेरी मेहंदी देखो कितनी दाग चढ़ी है, सिमरन ने लगाई थी। Nice. बना दी है, आप देख सकते हो, देखने में तो अच्छी लग रही है, पीने में भी अच्छी है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा शुगर डलवाई है। और सिमरन लग चुके अपने काम पे, जो इसका मेन काम होता है हर काम करने के बाद। मेरे को सबसे गंदा काम लगता है बर्तन साफ करना और कपड़े धोना और प्रेस करना। प्रेस करना तो मुझे सबसे गंदा लगता है, तो बैठे समय टूट जाती है। कोई बात नहीं, अभी आप अपने काम पे फोकस करो। सो गाइस, मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, सिमरन अपने काम करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुछ रह गया उसमें?
साफ है, पॉइंट करेगी उसमें अच्छे से साफ किया करते हैं, बर्तन ही थोड़ा करते साफ है, बर्तन गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ है।